सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा, काउंसलिंग से भगा दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, गवर्नमेंट का नहीं हुआ, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोग मैं लेके आया हूं। गाइस कितने ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज होते हो, मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस 3 वीडियोस मैंने इतने अच्छे निकाले हुए हैं कि आप अगर उन 3 वीडियो को देखोगे आपकी पूरी काउंसलिंग अच्छे से है जो निपट जाएगी। देखना चाहते हो वो वीडियो, सो मैंने है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है इंपॉर्टेंट वीडियो की, जाओ 3 वीडियोस देख लो, आपकी काउंसलिंग के हर एक सिंगल डाउट क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल आप निफ्टियन हो, कंफ्यूजन तो हो गई, और ना हो जब तक आपको कैंपस ना मिल जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट। सो इस वजह से है जो आप लोगों के कमेंट के थ्रू और आप लोगों ने इतने ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, इतनी सारी क्वेरीज, तो नया वीडियो मैं आपको लेके आया हूं। आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो आपकी एक एक सिंगल इंफॉर्मेशन इसमें कवर की जाएगी। तो चलिए गाइस आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। गाइस यहां पे सबसे पहले अपडेट और सिंगल इंफॉर्मेशन को है जो आपको किया जाएगा, और मैं यहां पे लाइव आता हूं, आप मुझे पर्सनली है जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 8th मई इज द लास्ट डेट आपको अपने सारे प्रीफ्रेंस फिल करने हैं और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और भी जो सर्टिफिकेट है वो सारे फिल करते हैं, राइट। अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले उसमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, और यहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि वहां पे इंफॉर्मेशन कौन सी डालनी है, राइट। सो चलिए मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑनलाइन क्लासेस 2024 बैच, ऑफलाइन क्लासेस तिलक नगर इज द नियरेस्ट सेंटर मेट्रो स्टेशन के, वहां पे मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, या फिर कोई भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे है जो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में है जो लिंक दी हुई है, आप जाके ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। सो इस वजह से आपको पता है कि निफ्ट में सबसे पहले आपको प्रीफरेंस फिल करना है। प्रीफरेंस कैसे फिल करना है, क्या नहीं करना गाइस, उसमें भी एक स्ट्रेटजी है। आप उस तरीके से प्रीफरेंस फिल करोगे तो आपके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कैंपस मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या बच्चे हैं, सारे प्रीफरेंस दिल्ली, मुंबई, पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से फिल किए पड़े, रैंक उनकी 4000 आई है, 5000 आई है, राइट। सो इस वजह से प्रीफरेंस भी आपकी काउंसलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा क्या है जो कैंपस डालें, जिससे कि आपको उस अकॉर्डिंग ही कैंपस मिले, नहीं तो आप हाथ धो बैठेंगे अपने डिपार्टमेंट से भी, अपने कैंपस से भी, जो भी आप लेना चाहते हो। सो इस वजह से मुझे बहुत सी क्वेरीज आई हैं बिकॉज ऑफ द मैसेज, देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई एवरीवन, बट मैंने इसका सॉल्यूशन फाइनली निकाल लिया गाइस। मैं अभी आप लोगों के लिए एक नया काउंसलिंग लेके आया हूं, पर्सनल काउंसलिंग, इट्स अ पेड काउंसलिंग। कोई बच्चा मुझसे डिस्कस करना चाहता है पर्सनली उसके डिपार्टमेंट को लेके, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट में 4 साल क्या पढ़ाई होगी, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, तो वो सारा उसमें है जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके साथ साथ पूरी काउंसलिंग है जो मैं आपके साथ रहूंगा और एकदम इंडिविजुअली वर्क कराऊंगा कि आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, प्रीफरेंसेस क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी उन्होंने स्लॉट ओपन कर दिया है 8 मई तक, कोई भी प्रीफरेंस आप चेंज कर सकते हो, सही कर सकते हो। अभी आपके पास गोल्डन चांस है, आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग लो और उसमें मैं आपको इंडिविजुअली प्रीफरेंस है जो आप लोगों को है जो फिल कराऊंगा, सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूंगा और ये बताऊंगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए बने हुए हो, आपके रैंक पे कौन से प्रीफरेंस डालें जिससे कि आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाए और आपका कैंपस मिल जाए। सो इसलिए 1-on-1 काउंसलिंग के लिए आपको है जो मुझे इस व्हाट्सअप वाले नंबर पे है जो कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और जितना जल्दी हो सके 8 मई से पहले 1-on-1 काउंसलिंग ले लो, आपके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, राइट। सो इस वजह से है जो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी। आज इस वीडियोस में आपको बताना चाहता हूं कि 1-on-1 काउंसलिंग तो आप ले ही रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप प्लीज पर्सनल काउंसलिंग बुक करो मेरे साथ स्लॉट, आपकी जूम मीटिंग में मैं एक एक इंडिविजुअल है जो आपके है जो प्रीफरेंस और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से अगर हम बात करें कि एंटी रैगिंग आ गया फॉर्मेट, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, और भी चीजें हैं, इनको कैसे आप
आपको है जो करना है, क्या क्या चीजें करनी है। कई बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, मेडिकल का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है, स्लॉट आ चुका है, आपको जाके मेडिकल अपलोड करना है। मेडिकल के लिए गवर्नमेंट का ही है जो कोई चाहिए, जिसके सील लगा होना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट में सील लिखा होगा कि कौन सा गवर्नमेंट है, क्या है हॉस्पिटल, वो चेक करेंगे। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि मेरे टाइम पे बिकॉज ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट 3-4 लोगों की काउंसलिंग मेरे आगे मेरे आंखों के सामने छुट्टी हुई थी, राइट। सो इस वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक एक डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी इंडिविजुअल काउंसलिंग लोगे, वहां पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही फिल कराऊंगा और आप काउंसलिंग के पार्ट होगे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ही जाना है आपको, वहां पे सील लगवाना है, साइन कराना है, फोटो जहां पे आपकी लगेगी वहां पे आधा साइन आपके पेपर पे होना चाहिए, आधा आपके फोटो पे होना चाहिए, आई थिंक उन्होंने मेंशन कर दिया, राइट, वो करा लीजिएगा। और आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एंटी रैगिंग फीस रिफंड, जो भी इंफॉर्मेशन है कि डेट प्लेस और वो किस पे मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, डेट आप आज की डाल दो जब आप अपलोड कर रहे हो, प्लेस आप अपना है जो जहां रहते हो वो प्लेस डाल दो, इट कुड बी अप स्टेट भी, आई थिंक स्टेट इज नॉट अ राइट डिसीजन टू पुट प्लेस, आपका प्लेस कहां है। मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, तो मैं दिल्ली डाल दूंगा। आप अगर कहीं और रहते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में झारखंड, झांसी, बहुत सारी चीज है, नॉट झारखंड, इट्स अ झांसी, ठीक है, जो भी है वो प्लेस डालना है, डेट डालनी है आपको, राइट। जहां पे पूछा जा रहा है कि आपकी रैंक डालनी, वहां पे आप अपनी कॉमन मेरिट रैंक डालोगे। अभी सारे बच्चे जितने भी कैटेगरी वाले आ जाएंगे, अरे कॉमन कैसे कॉमन कैसे डाल दे, मेरी कैटेगरी अच्छी आई हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब काउंसलिंग होती है ना, तो बच्चों को बुलाया जाता है कॉमन मेरिट रैंक से, बट एडमिशन कैटेगरी में होता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, देखना मत भूलिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए जिनको इतने सारे डाउट हो रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से कॉमन मेरिट रैंक आपको वहां पे मेंशन करना है, कॉमन मेरिट रैंक से बच्चे बुलाए जाएंगे। कैसे, 1 से लेके 200 कॉमन मेरिट रैंक तक के बच्चे आज काउंसलिंग में आएंगे, 200 से लेके 300 आ जाएंगे। तो कॉमन मेरिट रैंक से आपको बुलाया जाएगा, कैटेगरी रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा। अब यहां पे ऐसे बच्चे होंगे, सर मेरी 4000 कॉमन रैंक आई, बट कैटेगरी में मेरी 100 या 200 आई है, 4000 के अकॉर्डिंग मैं तो 10वें दिन बुलाया जा रहा हूं, तो क्या तब तक सीट रहेगी? यस गाइस, आपका रिजर्व है सीट, मतलब 4000 बच्चों में अगर आपकी कैटेगरी 200 आई है ना, तो चाहे आपको 1 महीने बाद बुलाया जाए, तब तक 199 स्टूडेंट ही होंगे जिन्होंने सीट ली होगी, 200वां नंबर आपका होगा, चाहे वो 1 महीने बाद बुलाया जाए आपको, राइट, बिकॉज ऑफ योर कैटेगरी। सो इस वजह से वहां पे कॉमन मेरिट रैंक ही मेंशन होगा। और आपको ये डाउट हो रहा है कि भैया इसमें बिटनेस में किसके डालने हैं सिग्नेचर, राइट, इंसान के सिग्नेचर डालने हैं, कोई भी जानवरों के हैं जो सिग्नेचर नहीं कराने हैं उसमें, राइट। सो इंसान का मतलब आप पापा मम्मी भाई बहन, जो आपके अगल बगल आजू बाजू कोई खेल कूद रहा हो उसको पकड़ के साइन करा लेने हैं, ठीक है। सो बिटनेस में आपको है जो किसी के भी साइन करा लेने हैं। आई थिंक ये 3 क्वायरीज इतनी ज्यादा पूछी जा रही कि मुझे तुरंत वीडियो बनाना पड़ा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो प्लीज गाइज बताइएगा मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड, ओके। सो इस वजह से इस वीडियो से मैंने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दी है। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा, काउंसलिंग से भगा दिए जाओगे, मैं बता दे रहा हूं, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई, गवर्नमेंट का नहीं हुआ, ठीक है। और जो बच्चे बहुत तेज बन रहे हैं कि कोविड का सर्टिफिकेट ऐड कर देंगे, ये कर देंगे, कोई नीड नहीं है, उसमें टिक लगाना है। आपको वैक्सीनेशन लगा है तो टिक लगा दो, नहीं लगा है तो अनटिक कर दो, उससे आपकी काउंसलिंग में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इस वजह से है जो ये हो गया क्लियर, कॉमन मेरिट रैंक मेंशन होगी, कैटेगरीज मेंशन नहीं होगी, बिटनेस में 2-3 इंसान के सिग्नेचर लगेंगे, राइट, और आपकी प्लेस डेट कौन सी डालनी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको है जो चीजें कर देनी है और अपलोड कर देनी है। अभी आएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट का स्लॉट ओपन हुआ है, रेंटी रैगिंग और डिपॉजिट का कब होगा, वो भी होगा टाइम टू टाइम। इसलिए है जो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे तुरंत मैं स्टोरी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और 8 मई तक स्लॉट ओपन हो चुके हैं सभी बच्चों के लिए। आप अपने प्रीफरेंसेस बहुत सोच समझ के डालना, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टेक माय पर्सनल काउंसलिंग, जो भी सेशन है, चार्जेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा आपको कहां कैंपस मिलेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी और सारे कैंपस में आपके 4 साल में क्या क्या कवर किया जाएगा,
और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन सारी चीजों पे मैं वर्क करूंगा। सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को है जो प्लीज आप जाके है जो चेक कर लो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और व्हाट्सएप के थ्रू आप हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे मेरा पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप इस वीडियोस मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी हो, स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना, इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला है, वहां पे जाके अपनी क्वेरी लिख दो, नया वीडियो उससे रिलेटेड ही मैं बनाऊंगा। और कोई डाउट, आई डोंट थिंक सो कोई होना भी चाहिए डाउट, और होगा भी तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। एंड प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करो, मेरी ऑनलाइन 2024 निफ्ट एनआईटी की प्रिपरेशन ऑफलाइन तिलक नगर स्टार्ट हो चुकी है। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट ऑफलाइन सेंटर, मुझे आप कॉल्स कर सकते हो, आप मुझसे मिल भी सकते हो, राइट। दिल्ली वाले बच्चे, अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनल काउंसलिंग ऑफलाइन हो तो प्लीज आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मेरे सेंटर पे आप मुझे पर्सनल भी आके मिल सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।